मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल महीना रहने वाला है। आपके पास धन प्रबल और प्रचुर मात्रा में आएगा, जिससे आप अपने सभी कामों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। कोई भी कार्य जो आपने कभी मन में सोचा था, वह इस दौरान पूरा हो सकता है। मन की इच्छा पूरी होने के योग बनेंगे। शिक्षा में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकते हैं। आपका मन एक से ज्यादा चीजों की ओर आकर्षित होगा और आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत कुछ खरीदना चाहेंगे और बहुत जगहों पर घूमने जाना पसंद करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में किसी से कहासुनी करने से बचें, क्योंकि इससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है और नौकरी में समस्या आ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को लाभ के योग भी बनेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति भी बन सकती है, या आप एक शहर से दूसरे शहर भी यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट महीने के उत्तरार्ध में देखने को मिल सकती है। आपके मन में कुछ नया और अज्ञात जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, जो आपको एक अच्छा और जिज्ञासु विद्यार्थी बनाएगी, और यदि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाए तो आप अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगा। भाग्य का साथ मिलने से कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि नवम और दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में उपस्थित होकर प्रबल राजयोग निर्मित कर रहे हैं और आपको खूब मेहनती बना रहे हैं। आपकी मेहनत सफल होगी। आपको कार्यक्षेत्र में समझा और माना जाएगा, लेकिन महीने की शुरुआत में द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज भी दशम भाव में शनिदेव के साथ युति करते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में किसी से कहासुनी होने के प्रबल योग बनेंगे। यह झगड़ा आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा और अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थितियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपको अपनी नौकरी में अच्छी पदोन्नति भी मिल सकती है। बस आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। इस महीने आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अभी आपका तनख्वाह वृद्धि का समय है, तो आप मान कर चलिए कि आपको सफलता मिल सकती है और अच्छी तनख्वाह प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ तनावपूर्ण रहेगा। मंगल महाराज के दशम भाव में होने से शनि के साथ युति करने से व्यापार पर कुछ गर्म मिजाजी हावी होगी और आप तथा आपके व्यवसायिक साझेदार के बीच कुछ बातों को लेकर हितों का टकराव हो सकता है, लेकिन मंगल के 23 तारीख को एकादश भाव में जाने से व्यापार लाभ मिलने लगेगा। आपके व्यापार की गति तेजी से बढ़ेगी और आप उन्नति करेंगे। व्यापार में अपार सफलता मिलने से आप गदगद हो उठेंगे और आपके आसपास के लोगों को भी आप पर विश्वास होने लगेगा। बाजार में आपकी छवि मजबूत होगी, जिसका आपके व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को अच्छे से बढ़ाएंगे। आप यदि एक से ज्यादा काम करते हैं तो सभी कामों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जिससे कुछ खर्चे भी होंगे और आप अपने संचित धन को भी किसी न किसी काम में लगाकर उसे खर्च कर डालेंगे। उसके बाद मंगल के एकादश भाव में 23 तारीख को पहुंच जाने से और सूर्य के द्वादश भाव में 13 तारीख को पहुंच जाने से खर्च और आमदनी का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको अपनी आय और व्यय के बीच सामंजस्य बैठना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है।
मासिक राशिफल 2024 बताता है कि राहु, सूर्य, शुक्र और केतु तथा मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव के कारण आमाशय में समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको पेट में अल्सर की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप यदि किसी शारीरिक समस्या को हल्का सा भी महसूस करें तो बिना समय गवाएं उसे सही डॉक्टर से दिखा ले ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न झेलनी पड़े, अन्यथा यह महीना आपको शारीरिक तौर पर परेशान कर सकता है। आपको थकान और कमजोरी का भी एहसास होगा जो आपकी दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना बहुत ही ज्यादा मानसिक उथल पुथल देने वाला है। केतु महाराज पंचम भाव में रहेंगे और उन पर शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति तथा मंगल का प्रभाव रहेगा। इस कारण से आपके रिश्ते में बीच बीच में रोमांस के छींटे भी पड़ेंगे, लेकिन अधिकांश समय कहासुनी और आग उगलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते को बहुत पीड़ा होगी। आपको इन सब से बचना है तो आपको अपने प्रियतम से अपने संबंध में विशेष रूप से बात करनी होगी ताकि मामलों को सुलझा सके। यदि आप इस महीने को शांतिपूर्वक बिता लेते हैं तो महीने का उत्तरार्ध कुछ हद तक सांत्वना देने वाला रहेगा। अविवाहित जातकों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक संबंधों में तनाव रह सकता है। आप और आपके जीवनसाथी के बीच काम को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपके जीवनसाथी भी कामकाजी हो सकते हैं और आशंका है कि इस कारण वह आपको और आपके परिवार को समय न दे पा रहे हो। उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें, अन्यथा आपका झगड़ा उनसे हो सकता है, जो आप दोनों के लिए ही हितकारी नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में 23 तारीख को मंगल के एकादश भाव में चले जाने से स्थिति में थोड़ा बदलाव होगा और आपके बीच समरसता बढ़ेगी। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा प्रतीत हो रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति देव के साथ स्थित रहेंगे और उन पर दशम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि होगी तथा शनि और मंगल एक साथ आपके दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल हो सकता है। बात बात में लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने में समस्या होगी। इससे वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपके पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी इस युति के कारण झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए आपको समय रहते ही उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह किसी बड़ी समस्या के चक्कर में न फंस जाएं। जहाँ तक आपके भाई बहनों की बात है तो बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग भी मिलेगा, लेकिन वे अपनी बात मनवाना भी चाहेंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। उपाय। आपको श्री सूक्त का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन एक अच्छी सी स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर सकते हैं। श्री गणपति अथर्वशीर स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए हितकारी रहेगा। बुधवार के दिन अपने हाथों से गौ माता को खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दें।